पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सेक्टर 42 कार्यालय में एयर लैब की स्थापना की गई है। साथ ही धूल को उड़ने से रोकने के लिए 40 वाटर स्प्रिंकलर को भी हरी झंडी दिखाई गई है। अब एयर लैब की मदद से प्रदूषण संबंधी शिकायतों की निगरानी तथा उनका समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा सकेगा। आपको बता दें कि वीरवार को गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद, सीनियर डिप्टी मेयर प्रमिला, गजे सिंह कबलाना, डिप्टी मेयर सुनीता यादव तथा अतिरिक्त निगम आयुक्त जसप्रीत कौर ने नगर निगम गुरुग्राम के सेक्टर 42 में स्थित जोनर कार्यालय से 40 वाटर स्प्रिंकलर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाटर स्प्रिंकलर धूल को उड़ने से रोकने के लिए सड़कों तथा पेड़ों पर पानी का छिड़काव करेंगे। वहीं छिड़काव के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रीटेड पानी का ही उपयोग किया जाएगा। इन सभी वाटर स्प्रिंकलर्स के लिए एरिया वाइज और सड़क वाइज शेड्यूल भी तैयार किया गया है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा पर्यावरण एवं स्थिरता विंग के तहत दिन प्रतिदिन हवा की गुणवत्ता की निगरानी और ग्रैप की पालना सुनिश्चित करने के लिए एयर लैब की स्थापना की गई है। यह लैब ग्रैप की पालना से संबंधित सभी आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण की जिम्मेदारी निभाएगी। यह लैब समीर ऐप और सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समाधान निर्धारित समय के भीतर करवाना सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर मेयर मधु आजाद ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा ग्रैप की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। गठित टीमें अपने अपने क्षेत्र में कचरा जलाने वालों, कचरा डालने वालों, मलवा बिना ढके निर्माण सामग्री रखने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले इत्यादि लोगों पर अन्य ऐसे सभी गतिविधियां जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करेंगी। वहीं मेयर मधु आजाद ने शहर में फैल रहे प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य दिल्ली और पंजाब को जिम्मेदार बताया है। 40 टैंकर जो हमारे शहर में पेड़ पौधों पे जो धूल मिट्टी जमी होती है, सड़कों पे धूल मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा, उसको रोकने के लिए, उस पर छिड़काव करने के लिए, जो हमारे पेड़ों पे जो सारी गंदगी जमी होती है उसको साफ करने के लिए हमने 40 टैंकर जो पूरे शहर में पूरे जोनों में जाएंगे, 10-10, 11-11 हमने शुरुआत की है आज हर जोन के लिए। या कहीं भी कोई भी हमारे पास कोई भी समस्या आती है इस तरीके की एनवायरनमेंट की, तो हमने उसके लिए एक ऐप शुरू करी है जिसमें हमें 4-5 ब्लॉक बनाए हैं, उसमें सारी कंप्लेंटें हमारी आएंगी। कहीं भी कोई गलत काम होते देखते हो तो आप सीधा आप हमारे इस नगर निगम की ऐप पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। कहते हैं कि जो पंजाब के आसपास, मगर कहते हैं कि वहाँ से आता है, मगर हमें नहीं लगता, वो दिल्ली साइड से हम लोगों को ज्यादा लगता है कि वहाँ से प्रदूषण ज्यादा आता है हमारा, दिल्ली सरकार। वही नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त जसप्रीत कौर का कहना है कि नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के मार्गदर्शन के लिए नगर निगम क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम कटिबद्ध है। इसके तहत एरिया वाइज अधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डेवलपमेंट के हो, चाहे इन्फोर्समेंट के हों, हमारे SSIs हों, जितने भी ऐसा हमारे ऑफिसर्स हैं अपने अपने एरिया में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी सारी वायोलेशंस को पे नज़र रखने की और एक्शन लेने की। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।